हेलो दोस्तों, ये बात तो माननी पड़ेगी कि आज के टाइम में इंडिया में ऐसे काफी सारे OTT प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जिस पर रोजाना काफी सारे मूवी और सीरीज रिलीज होते ही रहते हैं। हाँ, पर उनमें से ऐसे कुछ ही प्लेटफॉर्म है जिनके कंटेंट हमारा कीमती टाइम डिजर्व करते हैं, जिनमें से एक है G5 के सस्पेंस क्राइम थ्रिल सीरीज। तो आइए आज के इस वीडियो में आप सभी को लेकर आया हूं टॉप 10 बेस्ट सस्पेंस क्राइम थ्रिल वेब सीरीज ऑन G5, जिन्हें आप सभी को तो एक बार जरूर देखने चाहिए, जिनके स्टोरी लाइन और कॉन्सेप्ट वाकई काफी इंगेजिंग है। तो अगर आप आज के इस लिस्ट के किसी भी सीरीज को मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो को बिना स्किप किए तक जरूर देखें। नंबर 10 के प्लेस पे है 2020 में आई मुंबई, जिसे IMDb पे 6.3 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है भास्कर सेठी नाम के एक ऐसे बिलू एवरेज फैमिली के छोटे से लड़के की, जो कि आज के टाइम में मुंबई शहर में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। तो आखिर एक गरीब परिवार का छोटा सा लड़का मुंबई शहर में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कैसे बनता है और यहाँ आने के बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से कैसे बदल जाती है, ये सब कुछ जानने के लिए सीरीज देखनी होगी। हाँ, पर इस सीरीज को देखने से पहले आप सभी को वार्निंग, क्योंकि सीरीज में बेहद ही ज्यादा अब्यूसिव लैंग्वेज के साथ काफी सारे बोल्ड सीन भी डाले गए हैं, तो अपने फैमिली के साथ देखने के तो बिल्कुल भी मत करना। नंबर नाइन के प्लेस पे है 2020 में आई लाल बाजार, जिसे IMDb पे 6.3 की रेटिंग मिली हुई है, जिसके स्टोरी की शुरुआत एक सेक्स वर्कर के मर्डर से होती है जिसकी इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। हाँ, पर कहानी में ट्विस्ट तो तब आती है जब पुलिस की निगरानी में होने के बावजूद भी उस सेक्स वर्कर की बॉडी कहीं से गायब हो जाती है। तो आखिर उसकी बॉडी को किसने और क्यों गायब किया और इसके पीछे क्या मिस्ट्री है, ये सब कुछ जानने के लिए सीरीज देखनी होगी। नंबर 8 2020 में आई एक्सपायरी डेट, जिसे IMDb पे 6.7 की रेटिंग मिली हुई है, जिसमें स्टोरी दिखलाई गई है दो ऐसे कपल की जिनमें से एक कपल की बीवी एक पार्टी में गई होती है और वहां से गायब हो जाती है और उसका पति उसके मिसिंग कंप्लेन के लिए पुलिस थाने जाता है, पर वहां जाकर उसे ये पता चलता है कि वहां एक दूसरी कपल उसकी बीवी अपने हस्बैंड के ही मिसिंग कंप्लेन के लिए आई हुई है। तो आखिर क्या उन दोनों के मिसिंग होने में कोई कनेक्शन है, ये सब कुछ जानने के लिए सीरीज देखनी होगी, जिसकी रेटिंग 18+ है। तो इस सीरीज को अकेले देखे तो ही बेहतर होगा। नंबर 7 2019 में आई ऑटो शंकर, जिसे IMDb पे 6.8 की रेटिंग मिली हुई है, जिसमें स्टोरी दिखलाया गया है एक ऐसे साथी सीरियल किलर की जो कि पैसे से ऑटो ड्राइवर है। हाँ, पर वो अपने ऑटो में बैठने वाले सभी पैसेंजर का काफी बेरहम तरीके से हत्या करना शुरू कर देता है, जिससे शहर में एक खौफ का माहौल छा जाता है। तो क्या पुलिस साथी किलर का पता लगा पाती है या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए सीरीज देखनी होगी, जिसमें काफी जगहों पे बोल्ड इंटीमेटिंग सीन भी डाले गए, तो अपने फैमिली के साथ देखने की नहीं गलती करे तो ही बेहतर होगा। नंबर 6 के प्लेस पे है 2020 में आई नक्सलबड़ी, जिसे IMDb पे 7.1 की रेटिंग मिली हुई है। स्टोरी दिखलाई गई है राघव की, जो की एक STF एजेंट है और उसका बस एक ही मकसद है, नक्सलियों के सीक्रेट मिशन का पता लगाकर उन्हें बर्बाद करना। तो आखिर उसकी ये जॉब उसके लिए खतरा कैसे बन जाती है और क्या वो अपने मिशन में कामयाब हो पाता है या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए सीरीज देखनी होगी। इसी के साथ अगले नंबर 5 की प्लेस पे है 2018 में आई एक बेहद इंटरेस्टिंग क्राइम थ्रिल सीरीज काली, जिसे IMDb पे 7.1 की रेटिंग मिली हुई है, जिसकी स्टोरी मेनली फोकस करती है काली नाम के एक ऐसे सिंगल मदर की जो कि अपने बेटे के साथ रह रही होती है, पर एक दिन अचानक उसके बेटे की खतरनाक एक्सीडेंट हो जाती है, जिस कारण उसे एक 12 घंटों के अंदर ही 6 लाख रुपए का इंतजाम करना होता है, और इन्हीं सब के बीच वो एक अनलीगल ड्रग्स के धंधे में फंस जाती है, जिसके बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है और उसके बाद क्या कुछ होता है, ये सब कुछ जानने के लिए सीरीज देखना होगा, जिसके अब तक टोटल 2 सीजन आ चुके हैं। नंबर 4 2020 में आई दुरंगा, जिसे IMDb पे 7.5 की रेटिंग मिली हुई है, और ये सीरीज एक रीमेक है कोरियन ड्रामा फ्लावर्स ऑफ इवल का, जिसके स्टोरी मेनली फोकस करती है ईरा और समित जो कि एक हस्बैंड वाइफ है, पर उनकी लाइफ उस वक्त बदल जाती है जब ईरा को एक केस सौंपा जाता है जिसके इन्वेस्टिगेशन में सुमित का भी नाम आ जाता है और उसके बाद आखिर क्या कुछ होगा, ये सब कुछ जानने के लिए सीरीज देखनी होगी, जो कि वाकई काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं लिस्ट में टॉप 3 की ओर, पर उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, क्योंकि आप में से 96% लोग हमारी वीडियो देखते तो हो पर चैनल को सब्सक्राइब करना कहीं ना कहीं भूल जाते, तो अगर आप भी उन्हीं में से हो जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है और केवल वीडियो देखकर चले जाते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग मूवी और सीरीज लेकर आता रहता हूँ। खैर, इसी के साथ नंबर 3 के प्लेस पे है 2018 में आई रंगबाज, जिसे IMDb पे 7.8 की रेटिंग मिली हुई है और इस सीरीज के अब तक टोटल 3 सीजन आ चुके हैं, और अच्छी बात यह है कि इसके किसी भी सीजन को आप कभी भी देख सकते हो क्योंकि इसकी स्टोरी एक दूसरे से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, पर इन तीनों ही सीरीज में क्राइम वर्ल्ड के डिफरेंट स्टोरी को दिखलाई गई है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग तरीके से, जो कि आपको जरूर पसंद आएगी। इसी के साथ लिस्ट में नंबर 2 के प्लेस पे है 2019 में आई अभय, जिसके अब तक टोटल 3 सीजन आ चुके हैं और IMDb पे सीरीज को 8.0 की काफी बेहतरीन सी रेटिंग मिली हुई है, जिसके स्टोरी मेनली फोकस करती है अभय नाम के एक ऐसे इंस्पेक्टर की जो कि शहर में हो रहे खतरनाक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करते हुए दिखते हैं, जिसके सभी एपिसोड में एक नई क्राइम दिखलाई जाती है। तो आखिर अभय इन सभी केसेस को अंत तक कैसे सॉल्व करता है, ये सब कुछ जानने के लिए सीरीज देखनी होगी, जो कि वाकई G5 की काफी इंटरेस्टिंग सीरीज है।
और फाइनली नंबर वन की प्लेस पे है G5 पे वन ऑफ द बेस्ट मेरी फेवरेट सीरीज 2021 में आई क्राइम ड्रामा डार्क कॉमेडी पे बेस्ड सनफ्लावर, जिसे IMDb पे 7.3 की रेटिंग मिली हुई है, जिसके स्टोरी की शुरुआत शहर में एक मर्डर से होती है और इसी मर्डर के पीछे पुलिस को शक है एक सोनू नाम के एक ऐसे बंदे की, जिसके बिहेवियर लोगों को काफी अजीबोगरीब लगती है। तो क्यों इतना छूतिया है रे? तो क्या आखिर ये मर्डर सोनू ने ही की है या फिर इस मर्डर के पीछे किसी और की साजिश है, और क्या पुलिस अंत तक इस केस को सॉल्व कर पाती है भी या नहीं, ये सब कुछ जानने के लिए सीरीज देखनी होगी और स्पेशली इसके डार्क कॉमेडी आपको बेहद ही ज्यादा पसंद आने वाले हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, और ये मैं आपको 99% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपके पास G5 का सब्सक्रिप्शन है तो इन सभी सीरीज को देखने के बाद आपके सारे पैसे वसूल होने वाले हैं। इसी के साथ मैं मिलता हूँ ऐसे ही किसी दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।